राम राम जी सभी भाइयों को एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं सुबह सुबह 8:30 बजे रेडी हो गया हूँ खेलने जाने के लिए। और आज खेलने जाना है बहरोड अलवर। अलवर में टूर्नामेंट है तो वो मैं डिटेल बताऊंगा आपको इस ब्लॉग में। टीम जा रही है अपनी, मैं जा रहा हूँ और दानवीर भाई जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है कौन कौन प्लेयर हैं शामिल टीम में। ओपन टूर्नामेंट है, बाकी तो अभी रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ अपने ग्राउंड पे, इंडरी ग्राउंड पे। वहाँ पे और भी प्लेयर इकट्ठा हुए हैं खेलने के लिए। प्रैक्टिस करेंगे, आज संडे है तो खेलेंगे में, और काफ़ी इन्जॉय होने वाला है। और लास्ट वीक 15 अगस्त को हम खेले थे मीरपुर में, दिन का टूर्नामेंट था। बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है दिन में, काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है भाई, मतलब थक जाता है शरीर खेलने में दिन में, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है ना। तो आज का भी दिन का ही टूर्नामेंट है, तो आज फिर चुनौती है एक बार फिर से, तो देखते हैं फिर आपको दिखाएंगे। बाकी रेवाड़ी की तरफ दिन में जो टूर्नामेंट होते हैं अधिकतर, वो रीज़न ये रहता है कि मेला होता है वहाँ पे ना, मेले में सब कराते हैं, तीज के उपलक्ष्य में शायद कराया हो, तो वो मैं बताऊँगा और सब कुछ दिखाऊँगा वहाँ पर। जो भी टीमें आएंगी, प्लेयर मिलेंगे, बातें करेंगे, काफ़ी इन्जॉय होगा। 2-3 पार्ट बनेंगे इस टूर्नामेंट के व्लॉग के। चलिए फिर अभी ग्राउंड पे पहुंचता हूँ और मिलते हैं सभी प्लेयरों से। ग्राउंड दिखाता हूँ आपको, लाइट एक तरफ की लग गई है, दूसरी तरफ लगी है या नहीं लगी है वो भी दिखाऊंगा मैं इस व्लॉग में। चलिए अभी चलते हैं ग्राउंड पे। तो अभी मेरे साथ है लिटिल चैंपियन 3, एक और आने वाला है। तो स्कूल में क्या क्या सीखा तुमने, कौन सी क्लास में पढ़ा है बेटा? यूकेजी में। यूकेजी में, क्या नाम है? खुशी। खुशी, खुशी क्या सीखा तुमने स्कूल में, सुनाओ। अरे गिनती नहीं, वो सुना जो बोल रही थी। अच्छा, आलू कचालू बेटा कहाँ गए, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी भी प्यार किया रो रहे थे। बस हो गया, ठीक है अब तो सुना भाई। तेरा नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु ठीक है सुना। राजा राज की बेटी तोता हाथ में लेती, तोता बाग में जाता, वहीं खड़ी हो तो आम तोड़ के लाता, टूटी आम की डाली, रोया बाग का मालिक, खिड़की खोल कर देखो मैडम टाटा। मैडम तो टाटा कर दी, ठीक है खड़े हो जाओ यहीं। हाँ भाई तेरा नंबर है ढोलू, सुना तितली वाली सुना। तितली उड़ी, उड़ना चुप, तू चुप रहे सुना। हाँ डोल वहाँ का क्या देख रहा है, वहाँ वहाँ क्या देख रहा है। चलो जय करो सभी, बाय बाय करो, जय जय। तुमको तुम बोलो, सब्सक्राइब करो, बोल जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। वाह बुला अगला। एक और लिटिल चैंपियन मिला है यक्षित पवार। हाँ सुना। चलो चलो बाय। और पूरे एक हफ्ते बाद अपने ग्राउंड में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिला, काफ़ी लेट आया जाता अब इससे भी। और 15 अगस्त को भी नहीं गया था क्योंकि खेलने चले गए थे वहाँ पे, तो वहाँ गाँव से 100 मीटर दूरी पे ये पहुँच गया हूँ अभी। तो भाई ग्राउंड पे पहुँच चुका हूँ और प्लेयर खेल रहे हैं, जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा दिन खेलना है भाई आज। महेश मोरे हमारे इंडरी टीम के कोच साहब, ये जो कैप में है। और लाइट एक तरफ की लग गई है, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा हमने लगा दी थी पूरी मेहनत करके। दूसरी लाइट के लिए यहाँ पे गड्ढा खोद दिया गया है, और गड्ढा तो खोदा है पर पानी निकाल दिया है, गड्ढा खोद गए, ये देखो और गड्ढा खुदेगा भाई। और इसमें क्या कहना चाहते हैं महेश? पानी से धोएगा।
और जबरदस्त मैच चल रहा है। एक तरफ है टीम भालू, ये मोटा सा सेंटर में भालू, काफी दिनों बाद खेल रहे हैं, टीम में फिर से वापसी करेंगे जॉन्टी किशन जी। और दूसरी तरफ है कोच साहब इन रीगे, महेश मोरे, विवेक और भाई भोलू। तो इस तरह से मैच लगा हुआ है और मैं अभी निकलूंगा यहाँ से, मात्र 10 मिनट में निकलूंगा टूर्नामेंट खेलने के लिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी लाइट लगनी है, उसकी व्यवस्था मैं दिखा देता हूँ। ये वाली बल्ली यहाँ पे गड़ेगी, यहाँ पे गड़ेगी ये बल्ली, उसके बाद दोनों तरफ लाइट हो जाएगी और इस ग्राउंड में मिट्टी विट्टी भी डलवाएंगे धीरे धीरे। व्यवस्था हो रही है, अच्छा ग्राउंड बन जाएगा। और एक बार फिर रिबन कटवाएंगे हम भालू से और ये अपनी तरफ से ग्राउंड में ही पार्टी देंगे सभी प्लेयरों को। हाँ भाई अब भालू न्यू कह रहा हूँ, पार्टी देगा ना फिर रिबन कटवाएंगे तो पे। महादेव प्रॉपर्टी की तरफ से है, वाह भाई, प्लॉट लेनी हो इंड्रिक नाम के चारों तरफ महादेव प्रॉपर्टी से संपर्क करें और भालू का नंबर मैं दे दूंगा इस ब्लॉग के नीचे, संपर्क करें, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी पार्टनर हूँ इसका, 10% में मतलब मार्जिन कमाऊंगा बाकी, ठीक है। सीरियसली अगर प्लॉट चाहिए आसपास कहीं पे भी केएमपी के आसपास या फिर महाराष्ट्र जो बड़ोदरा एक्सप्रेस वे है वहाँ के आसपास प्लॉट चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं, ये सच्चाई है, प्लॉट दिला देंगे भाई सस्ते दामों में। चलिए फिर मिलते हैं। और ग्राउंड के साइड में भाई ये देखो की कर रहा है भाई, पिंचर भी हो सकती बॉल। और यहाँ पे देखो शांप दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जा, ये दिख रहा है कितना बड़ा शांप है, ये देखो यहाँ से तो भाई ये देखो कितना लंबा शांप, शांप की कांच नहीं है यू शांप ना भैया। मोरे जी बताएंगे इसका ट्रीटमेंट करके कौन सी वैरायटी का शांप है, ये अभी दिखाते हैं आपको। महेश को डर नहीं लग रहा है, सांप होता तो डर तो भी, गाड़ी मत बदनामी अपनी है या मैं सपेरे सपेरे भाई साहब सपेरे ये सिस्टम है देखो, ये देखो भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। देख रहे हो ये मुंह है इसका, आंखें दो दो आंखें, चलो चलते हैं फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जिताना आज टूर्नामेंट। हाँ तो गाइस जैसा कि आपने देखा अभी तक मैं तैयार था, रेडी था जाने के लिए खेलने के लिए अलवर बहरोड टूर्नामेंट में, परंतु अभी देख रहे हो ड्रेस आप, तो ये अकस्मात प्लान चेंज हुआ है क्योंकि अभी अर्जेंट काम आ गया कुछ ड्यूटी का, तो ड्यूटी जाना पड़ रहा है मुझे, तो खेलने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। क्योंकि हम सभी शूटिंग वॉलीबॉल के प्लेयर भी कहते हैं ना, पहले अपना एजुकेशन या जॉब और घर का काम, उसके बाद खेल है, तो वही मैंने डिसाइड किया अभी फ़िलहाल, तो जॉब पे जा रहा हूँ भाई। और बाकी शाम को देखते हैं भाई, अभिनंदन प्रोग्राम है एलविस यादव का वहीं गुड़गांव में, और बाकी जो भी टूर्नामेंट में टीमें आ रही हैं रास्ते में टाइम से पहुँचें, और सभी का धन्यवाद है टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए, टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं। तो सॉरी भाई कमेटी को मैं नहीं आ पा रहा हूँ टूर्नामेंट में, हेलो उसके लिए, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि अभी मैं ट्रेवल करूँगा और उसके बाद ऑफिस में टाइम नहीं मिलेगा, तो इस ब्लॉग को छोटा सा ब्लॉग है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख पाएंगे एलविस यादव भाई का जो मीटअप है, बहुत बड़ा मीटअप है, सभी आने वाले हैं, तो हमारे गाँव से इंडी गाँव से भी सभी आएंगे, सभी को मैंने इन्वाइट किया है वहाँ पर आने के लिए, तो वो दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग। अरे मेरे को चलिए मिलते हैं, और हमारे अंकल जी भी आएंगे वहाँ पे, सभी आ रहे हैं इंद्रगांव से, अंकल जी भी आएंगे। भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ क्या अगर मैं जो इनवाइट क्या कहे अगर करता है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, नहीं तो इनवाइट बिगड़ तो कहे फिर सोना दिया जाए जब भी नहीं आता। इनवाइट किया उन्होंने हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के एलविस यादव ने,
हाथ जोड़ के सभी को इनवाइट किया। सीएम खट्टर साहब आ रहे हैं, सभी आएंगे। अंकल जी ने भी बोल दिया आएंगे भाई, सभी खट्टर साहब भी आ रहे हैं, सभी का सभी पहुंचे भाई। तू भी आ, अभिनंदन प्रोग्राम में तू भी आ। मिलते हैं फिर, राम राम सभी भाइयों।